अब वो कहते हैं तू मैंने जानता नहीं है। उनका अच्छा जहाँ पर तो बातें जो वो जानने जानने वाली हो गई हैं, कौन जानता है या कौन नहीं जानता। अच्छा चलो इन्हें भी देख लेते हैं कि ये कौन है। मैंने कहा अंकल, मैंने अदब के साथ में बात की, मैंने कहा अंकल ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हैं, मेरी और सर की बात हो रही है, वो मेरे टीचर हैं मैं उनका स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो लिहाजा बेहतर है कि आप ना बात करें। उसने ना थोड़ी बदतमीजी सुना जो बात, मैं बोला ना बोला थोड़ा ना, मतलब वो बदतमीजी वाली बात की थी, अब मैं वो वीडियो में तो नहीं बयान कर सकता, आप जान गए होंगे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि उन्होंने कैसी बदतमीजी की थी। मैं अब ना उधर मतलब अकेला था, पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ था, वो सर और उनके साथ जो वो अंकल थे वो ना आगे ना फ्रंट वाली सीट पे बैठे हुए थे। मैंने कहा जी ठीक, अच्छा मैं चुप कर गया। तो सर ने ना मुझे ना कहा यार, थोड़ा सा ना वो ना नरम हुए, खालिद यार मैं ना आपको ये पूछ रहा हूँ कि आपके अकाउंट पर एक फ़ोटो अपलोड हुई है, वो आपने क्यों अपलोड की है। मैंने कहा सर मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता आप कौन सी फ़ोटो की बात कर रहे हैं, बताएं कौन सी फ़ोटो अपलोड हुई। मैंने कहा एक लड़की और एक लड़के की फ़ोटो है ना जो वो अपलोड हुई है, वो लड़का है जो वो लड़की को लेटर दे रहा है और वो तस्वीर बनी हुई है और आपने वो ना तस्वीर है जो वो फेसबुक पे अपलोड की हुई है। अच्छा मैंने फेसबुक अपलोड की है, मुझे नहीं था पता उस चीज़ का। मैंने कहा सर मुझे नहीं है पता आप कौन सी बात कर रहे हैं। तो वो अंकल को ना फिर ना थोड़ी सी ना गुदगुदी हुई नीचे से, तो उन्होंने ना कहा तेनू नहीं पता तेरे अकाउंट तो ये तेनू नहीं पता, वो ड्रामेबाजियां करना था। मैंने कहा अंकल बकवास बंद करें मैं गुज्जर हूँ। अब वो इतनी देर तो बर्दाश्त नहीं था होता। मैंने कहा अंकल बकवास बंद करें, आप बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। अंकल को अंदाज़ा हो गया कि नहीं काम ख़राब हो गया, अंकल ने रोब डालने की कोशिश की। अब ठीक है अदब एहतराम उतनी देर तक है, अब एक बंदा है जो वो ना सवार हो ही जाए ये चीज़ तो नहीं चलेगी। मैंने कहा सर बताएं कौन सी फ़ोटो अपलोड हुई। उन्होंने मुझे बताया कि ये वाले। मैंने कहा नहीं सर मुझे नहीं पता। वो ना मुझे ना एक ना अपना कोई ऑफिस था इधर ना जौहर टाउन वाली साइड पे, वहाँ पर ना ले गए, विलनशिया वाली साइड पे, ठीक है वहाँ पर ले गए, ठीक है खैबानी जनाब से ना विलनशिया वाली साइड पर ना जो जाता है यूसीपी से ना पहले उधर वाली साइड पर ना वो मुझे ले गए, और ना मुझे ना कहा कि इधर ना दिखाते हैं, इधर उनका कोई ऑफिस था प्रॉपर्टी का वगैरह, तो उधर गए हैं। तो वो ना एक ना सेपरेट कमरे में है ना जो उधर सिस्टम लगा हुआ था, बाकी स्टाफ को उन्होंने बाहर निकाल दिया। मुझे कहते हैं कि ये जी अपने अकाउंट है ना जो वो लॉग इन करवा। अब हकीकत बात है कि मुझे अकाउंट का नहीं था पता। अब मुझे अकाउंट का क्यों नहीं था पता वो भी बताता हूँ। लैब में ना हम लोग ना अकाउंट बनाना सीख रहे थे उस टाइम ना, एक ही वक्त में ना हमने ना कुछ चार पाँच अकाउंट है ना जो वो इकट्ठे बनाए, प्रैक्टिस कर रहे थे कि अकाउंट कैसे बनते हैं, तो सब दोस्त इकट्ठे थे। अब कौन सा जीमेल लगा रहे हैं कौन सा पासवर्ड लगा रहे हैं ये सबको पता था, तो वो अकाउंट काफ़ी ना चार पांच बना लिए, फिर ना प्रैक्टिस होगी अकाउंट बनाना आ गया कि कैसे अकाउंट बनाती हैं, उसमें कैसे जीमेल लगाती हैं पासवर्ड कैसे लगाती हैं। अब तो ना फेसबुक ने ना काफ़ी ना प्रोटेक्शन है जो वो ना इंक्रीज़ कर दिया और सिक्योरिटी को बहुत ना हाई कर दिया, उस टाइम इतना नहीं था, तो वो ना सिंपली ना अकाउंट इतने बने हुए थे मुझे नहीं था पता। अब उन्होंने कहा कि ये वाला मैं तस्वीर उन्होंने अपने ना फेसबुक अकाउंट से ना किया है, तो वो मेरे जो अकाउंट बना हुआ था उधर उन्होंने गए हैं टाइम लाइन पर, वो फ़ोटो पड़ी हुई थी। अब वो फ़ोटो किसकी थी, अब उसमें एक था मेरा दोस्त था, ठीक है, और वो एक ना डेफिनेटली इसमें अब क्या बात करूँ, वो ना लड़की को लेटर दे रहा था, वो फ़ोटो भी बनी थी। मैंने कहा जी सर ये फ़ोटो तो उस्मान की है, ठीक है, तो ये वो लड़की का नाम नहीं अब मैं लूँगा वो ज्यादती हो जाएगी, तो वो है। अब उन्होंने कहा अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये अकाउंट तो मेरा ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं थी, लेकिन वो अकाउंट पे अपलोड मैंने नहीं थे। अब उन्होंने कहा कि जी बताओ, अब लगे अंदाजे लगाने के ये अकाउंट का ना कौन सा जीमेल था। अब चार पांच पर ना एक ना वो ना जीमेल लग गया, अकाउंट का हो गया, लेकिन अब पासवर्ड नहीं थे याद।
फिर पासवर्ड नहीं थे याद, फिर पासवर्ड को करने, अब वो डेफिनेटली कंप्यूटर के टीचर थे, तो उन्होंने कहा कि यार रिकवर कर लेते हैं। उस टाइम ना उन्होंने ना जो भी ना प्रोसीजर को फॉलो किया, रिकवर किया, रिकवर करके पासवर्ड बन गया। अब पासवर्ड जैसे वो बने, उसके बाद उन्होंने वो फ़ोटो देखी है, आई थी अकाउंट में पड़ी हुई थी, फ़ोटो की है वहाँ से डिलीट। और मुझे ना फिर उसी टाइम ना फेसबुक पर पोस्ट डिलीट करने का पता चला कि फेसबुक पर पोस्ट डिलीट भी की जाती है और ये कैसी होती है। वो फ़ोटो तो डिलीट कर ली, अब ना वो ना निकले हैं वहाँ से, मैं भी साथ में था, उन्होंने कहा जी अब ठोकर चलते हैं। ठोकर आए हैं तो जिधर ये ठोकर नियाज बेग पर ना रेविन रोड वाली साइड पे, ये जिधर अलखान होटल है ना इस साइड पर ना एक ना कैफेटेरिया है, वो उसी साइड पर जिस साइड पर अलखान होटल है ना, इससे पीछे लाहौर यूनिवर्सिटी के ना करीब उधर एक ना इंटरनेट का ना कैफेटेरिया था, वहाँ पर गए। वहाँ पर जाके चेक किया है कि वो फ़ोटो है जो वो अभी मौजूद है अकाउंट पे या डिलीट हो चुकी है। अब डेफिनेटली वो डिलीट हो चुकी थी। अब वो ना इस दौरान ना मेरा ना टाइम वेस्ट कर रहे थे, मेरे एग्ज़ाम थे, ठीक है, और मैं ना उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा था सर मेरे एग्ज़ाम है तो टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे पेपर हो रहे हैं, आपकी मेहरबानी आप ऐसे ना करें, जाने दें मुझे, नहीं चले जाने। वो जो अंकल थे उन्हें ना वो क्या कहते हैं पंजाबी में, उन्हें ना शहरी आ रही थी, हो जाएंगे तेरे पेपर भी। मैं क्या अंकल कोई बात नहीं, अंकल आपकी तो ना मैं वो बजाऊंगा कि आप याद करेंगे, लेकिन ना मैं उस टाइम चुप था। अब क्या कि मैंने ना अंकल को कुछ नहीं कहा, अंकल हो जाएंगे पेपर, पेपर दे रहे थे जरा। बेसिकली ना वो ना अंकल थे ना जो वो जिस लड़की की फ़ोटो थी ना उनके वालिद साहब थे, मुझे सर ने बता दिया था, तो मैं चुप था। अब वो होगी डिलीट, मैं सर को कह रहा हूँ कि सर चलें, ठीक है, अब जा रहे हैं, अब ना वापसी के लिए ना निकल पड़े, ठीक है जी, वापसी के लिए निकल पड़े हैं। तो सर ना मुझे ना ये कह रहे हैं कि आपने ना वो जिन दो लड़कों की है ना वो जो लड़के हैं आपके साथ हैं, आपने ना उन्हें ना ले के आना और उन्हें बताना नहीं है। अब ये तो नहीं था, हो सकता कि यारों के साथ बेवफाई गुजर करे, ऐसे तो हो नहीं सकता, ठीक है, जिसके यार हैं उसके यार हैं और जिसके नहीं हैं उसके नहीं हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है सर एक बार चलते हैं। अब मैं ना वो मुझे ना इस तरह ना पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं, तो वापसी ना जा रहे हैं, तो अंकल ने ना फिर ना रोक डालना शुरू किया वापसी। यार मैंने कहा यार अब बर्दाश्त से ना बाहर हो रहा है ये अंकल, ना औकात से ना ज़्यादा बातें कर रहा है, जिसे ना मना जरा सुना, मैं पीछे बैठा होता हूँ, तो ना वो मैं जा रहा था तो सर ना गाड़ी स्लो चला रहे थे, मतलब 20-30 की स्पीड पे, ठीक है, जा रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये ज्यादती कर रहे हैं, मतलब जा भी रहा है लेकिन ये ना वही ड्राइव है जो वो आप 100 पे भी कर सकते हैं, 90 पे भी कर सकते हैं, लेकिन वही आप 20 पे 30 पे तो वो जा तो रहे हैं लेकिन ना जाने के बराबर है। मैंने कहा सर ये तो ज्यादती है, मैंने ना सर को सर रिक्वेस्ट है प्लीज़ गाड़ी को ना ज़रा फास्ट करें, मेरे एग्ज़ाम है। तो वो अंकल को ना जो शहरी है ना वो दोबारा आई, अंकल ने कहा तेरे पेपर हो जाएंगे। मैंने कहा अंकल बकवास बंद करें, आप ना मुझे जानते नहीं हैं, आप बार बार ना यही ना कर रहे हैं, मैं ना आपका लिहाज कर रहा हूँ, आपको ना इज़्ज़त रास नहीं है, ठीक है, अगर आपको इज़्ज़त रास नहीं है ना तो आपने ठीक है आपने ना धोखे के साथ ना मुझे ना गाड़ी में बिठा लिया है, ठीक है, मैं आ गया हूँ, मैं सिर्फ आपकी इज़्ज़त को लिए और आपकी रिस्पेक्ट के लिए ना बैठ गया हूँ। और वो सर थे तो मैंने ना जब सर मेरे साथ नहीं कर रहे और इस तरह कर रहे हैं तो मैंने कहा अब साहब आपको भी ना मैं ना देख लूँगा, आप शायद मुझे जानते नहीं हैं, खालिद गुजर मेरा नाम है और मैं आपको ना उधर पहुँचाऊँगा कि जहाँ से ना आप आए हैं। सर का तबक रोशन हो गया, डेफिनेटली मैंने ना थोड़ी अब बदतमीजी तो की लेकिन ना उधर बदतमीजी करनी वाजिब हो गई थी। अब जिस बंदे को लिहाज नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ही ना उनका ना लिहाज करें। तो बात मुख्तसर है कि मैं कॉलेज पहुंच गया, ठीक है, फिर उन्होंने गाड़ी भगाई, कॉलेज पहुंच गई। अब जो मेरे क्लास टीचर थे उन्हें तप चढ़ी हुई थी, फ़ोन मेरा उधर ना वो टली के पास था, तप चढ़ी, मैं जैसे गया हूँ मैंने कहा सर मैं कॉमन सर ने कहा आ जाओ बच्चा पेपर हो रहा था, मैंने बैठा थप्पड़ मार, किधर गायब था तू, उल्लू का पट्टा तेरा पेपर हो रहा है तू पेपर, मैंने कहा सर मैं मैंने फटाफट पेपर दिया। अब बाकी बाद में अगले टॉपिक अगली वीडियो में चलता हूँ।